ऑनलाइन वाला कहता है कि कोई टेंशन नहीं, आप हमें पैसा भेज दीजिए, हम आपको कार्ड बनाकर दे देते हैं। बस काम हो गया भाई, आपको फिल्म लाइन में एंट्री मिल गई। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने राज्य से यहाँ मुंबई में आना चाहते हैं फिल्म लाइन में काम करने के लिए, और नाम और पैसा दोनों ही कमाना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आप ऑनलाइन अपने राज्य से यहाँ पर सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद आपको पता चल जाता है कि मुंबई में बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है जो आपको काम देते हैं, और उसके लिए एक कार्ड बनाना पड़ता है, ऐसा प्रोडक्शन हाउस वाले आपको कहते हैं। अब आपको ये लगता है कि यार अब मुझे जाना पड़ेगा, तो भाई आपको प्रोडक्शन वाला कहता है, यानी वो ऑनलाइन वाला कहता है कि कोई टेंशन नहीं, आप हमें पैसा भेज दीजिए, हम आपको कार्ड बनाकर दे देते हैं। बस काम हो गया भाई, आपको फिल्म लाइन में एंट्री मिल गई। तो इसी जानकारी पे आज हमारी वीडियो है, तो शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन से कार्ड बनाने में क्या फायदा है और क्या नुकसान है। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल। तो चलिए अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं कि भाई हम मुंबई से बाहर रहते हैं, तो क्या हम ऑनलाइन कार्ड बनवा ले, और कार्ड बनाने के बाद हमें क्या काम मिलेगा। तो चलिए इन्हीं सब सवालों के बारे में एक बार सर्च करते हैं। भाई मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, समझिए कि मैं अभी मुंबई में नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ राजस्थान में। मैंने मुंबई में ऑनलाइन कार्ड बनवा लिया है, ये ऑनलाइन कार्ड चाहे वो 2000 का हो और चाहे 20000 रुपए का है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 2000 से लेके 20000 रुपए के जो कार्ड होते हैं या 2 लाख तक के जो कार्ड होते हैं, ऐसे कोई भी यूनियन आपको काम नहीं दिलाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई देखिए यूनियन का काम ही नहीं है काम दिलाने का, यूनियन का काम है कार्ड बनाकर देने का। पहले तो ये चीजें आप ध्यान दीजिए। लेकिन होता क्या है कि मैं मुंबई से बाहर राजस्थान में हूँ, और मुझे बहुत अंदर से चाह होती कि एक बार मैं मुंबई की इंडस्ट्री में घुस जाऊँ, इसलिए मैंने ऑनलाइन कार्ड बनवा लिया। तो चलिए मैंने यहाँ पे पैसे वैसे भर दिए और सब कुछ कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने जो छोटी सी रकम है, समझिए 2000 रुपए, यहाँ भर के मैंने ऑनलाइन कार्ड भी बनवा लिया, मेरे पास आ गया। अब होगा क्या दोस्तों, होगा क्या, आप खुद सोचिए कि अगर मैंने कार्ड यहाँ बनवा लिया है तो मेरे आसान से हो गया, यहाँ ऑनलाइन में पैसे चले गए, वहां से मुझे कार्ड पोस्ट करके दे दिया, अब मुझे काम करना है। तो मैंने यहाँ से अब क्या किया, मैं अब डिपेंड हो चुका हूँ इस ऑनलाइन के कार्ड के ऊपर, जो एक प्रोडक्शन हाउस के ऊपर मैं डिपेंड हो चुका हूँ कि भाई ये जब मुझे बुलाएगा तब मैं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे गारंटी भी दी गई कि भाई आपको काम जरूर दिया जाएगा। ऐसा होता है सबके साथ में, नहीं हुआ होगा वो और की बात है, लेकिन ये धारणा बन जाती है हमारे, हम इन पे डिपेंड हो जाते हैं। और होगा क्या कि भैया इस पे मैं डिपेंड हो गया, अब मैं काम के लिए अब इनको मैं फोन करता हूँ भाई कब मुझे काम मिलेगा, क्योंकि मैं काम अगर यहाँ पे है मुंबई में तो ही मैं यहाँ से जाऊंगा राजस्थान से मुंबई, तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा, सीधी सी बात है ना। अब अगर सक्सेस अगर नहीं होता हूं, मैं काम के लिए वहां जाता हूँ, मैंने 2000 रुपए अभी डाले हैं और फिर उनको पूछने के लिए जाऊंगा यहाँ से राजस्थान से मुंबई, तो करीबन मेरे 2 से 2500 रुपए खर्च हो जाएंगे, जो ट्रेवलिंग और रहना, और अभी वहां काम के उन्होंने कुछ बताया नहीं, खाली पूछने जाऊंगा, तो इसलिए मैं फोन से पूछूंगा। फोन पे बार बार हम पूछते रहते हैं और फिर उनका यह होता है 5, 10, 15, 20, 1 महीना, और ऐसे करते करते 1 साल गुजर जाता है, ऐसा होता है। तो क्या होता है कि कार्ड तो हमने बना लिया, लेकिन अब साल भर गुजर गए ना, क्योंकि अगर मैं वो 2000 के बारे में पूछने जाऊंगा, अक्सर आप लोगों के साथ में ये होता है कि भैया अगर मैं पूछने जाऊं 2000 तो मेरे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, क्या होगा, तो ये पैसे कौन भरेगा इतने सारे पैसे। और इतने में क्या होता है कि मैं अभी मुंबई उनका इंतजार ही कर रहा था कि मुझे काम पे बुलाएंगे, तब तक 1 साल का समय गुजर जाता है, और फिर जब कॉल लगता भी है तब तक हमारे 1 साल की जो कार्ड की जो वैलिडिटी होती है, जो ऑनलाइन कार्ड के आज आप वहां जाके भी बनाते हैं, किसी भी कोई भी कार्ड अगर बनता है तो 1 साल की वैलिडिटी उसमें होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद उसमें क्या होता है रिन्यूअल करना पड़ता है। तो फिर बाद में क्या है कि अगर हमने 2000 का कार्ड बनाया तो फिर उनको और कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर उनमें काम करना है तो। अब फिर बाद में हमने वापस से पैसे भर दिए, कुछ पैसे जो 200-500 रुपए होते होंगे वो भर दिए, फिर हमें वो काम के लिए बोलेंगे कि आप इंतजार करें हम आपको कॉल, फिर हम डिपेंड हो गए। भाई हम ये हमेशा सोचते रहते हैं कि मुंबई पहुंचने का खर्च इतना है और हम इसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, इससे हम ना मुंबई पहुंच पाते हैं और ना ही हमें काम मिल पाता है। इस तरह की घटनाएं ही होती हैं ऑनलाइन कार्ड से। तो आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकिए कि ऑनलाइन कार्ड बना के हम करेंगे क्या, उसे जेब में रख के दुनिया को दिखाते हैं हमारे पास कार्ड है,
लेकिन जब तक आप काम नहीं करेंगे तो कैसे लोगों में पहचान पड़ेगी, आप कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो भाई। तो ऑनलाइन मैं ये कहूंगा कि ऑनलाइन बना के कार्ड करेंगे क्या, जेब में रख के कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये आपको कहूंगा कि ऑनलाइन से बेटर है कि आप मुंबई खुद आइए, आप जो तरीके हैं, जो आप छोटे मोटे जो काम कर रहे हैं, आप जो सीखे हुए हैं गैरेज का काम या मोटर चलाने का काम, जो भी आप काम सीखे होंगे वो काम वहाँ पे करिए और फिर सरवाइव करिए। आपने जो काम आपको करना है वो काम पे करते वक्त आप फिर फिल्म लाइन से जो जुड़े काम हुए उनसे एंट्री करिए और वहाँ पे जाके आप जो है पहले हेल्पर का काम करिए, काम को सीखिए और उसके बाद, क्योंकि इंडस्ट्री में जो है ना, मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ कि कार्ड की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ आपको कार्ड की कोई जरूरत नहीं होती है जब तक आप सही काम करने लायक नहीं हो जाते हैं भाई। मैं आपको बता रहा हूं कार्ड तो सिर्फ ये देखिए एक एक जब देखिए मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं काम ही नहीं करूंगा तो पैसे नहीं आएंगे। जब पैसे नहीं आएंगे तो यार कार्ड कंपनी या कार्ड यूनियन को कैसे पैसे दूंगा, मैं अपने घर से नहीं दूंगा ना। और ये देखिए ये बात को ध्यान रखते हुए यूनियन जितनी भी यूनियन है ये सब समझती है और इसीलिए क्या होता है कि जहां शूटिंग होती है वहां पे कार्ड चेकिंग करने वाले लोग आते हैं और वहीं पे ही अगर आपको काम रेगुलर मिल रहा है और आपको पैसा भी मिल रहा है प्रोडक्शन से तो आप वहां पे कुछ पैसे देकर आधा पैसा देकर अपना कार्ड बना सकते हैं, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी का हो चाहे कोई यूनियन का हो आप बना सकते हो। तो ये चीजें हैं। तो कौन कहता है आपको कि पहले कार्ड बनाओ उसके बाद काम मिलेगा भाई। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं कि पहले आप काम ढूंढो। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि कार्ड के चक्करों में मत पड़ो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे कोई भी हो। सबसे पहले आप मुंबई में काम ढूंढिए, फिल्म लाइन में किसी तरह एंट्री कर लीजिए और उसके बाद जब काम करना शुरू कर देंगे तभी आप जो है कार्ड बनाइए, चाहे वो किसी का भी हो। तो भाई आपको मैंने आज एक चीज बता दी है कि आप कार्ड के लिए किसी को भी ऑनलाइन पैसा या किसी और व्यक्तिगत आदमी को पर्सनल पैसा मत दीजिए, डायरेक्ट यूनियन में जाइए, वहां पे जाइए, वहां पे पैसे दीजिए, वहां से रसीद लीजिए और आप एक कार्ड। लेकिन सबसे पहले काम को ढूंढिए। क्या होता है कि लोग कार्ड बना लेते हैं लेकिन बनाने के बाद जब काम ढूंढने निकलते तो उन्हें काम नहीं मिलता है और उसके बाद क्या होता है कार्ड कंपनी को तो उनके पैसे आ गए जो भी है। और ऐसे आप अकेले नहीं है, सैकड़ों लोग इसी प्रकार की गलतियां करते हैं। सैकड़ों लोग जो है काम ऑनलाइन पे कार्ड बनवा लेते हैं और फिर एक साल तक एक साल के बाद फिर वापस से फिर वही, यानी ये एक के पीछे लोग गलती किए जा रहे हैं और उनका जो पेट भर रहा है ऑनलाइन कार्ड बनाने वाले लोगों का वो बस चकाचक है। आपको किसी को उसमें से किसी को अब तक काम नहीं मिला है। एक बंदा कोई बता देवे, कोई एक बंदा बता देवे कि भैया हमको यहाँ से काम मिला, वो सक्सेस हुआ है। कोई एक कोई भी कार्ड बनाने वाला कह दे कि इससे हमारा कार्ड बना है और आज हम वो सक्सेस है और काम कर रहा है, पता है कोई नहीं बताता इसमें। तो भाई मैं आपको यही कहूंगा कि ऑनलाइन अब आप खुद समझदार हैं, आपको समझ में आ चुका होगा कि ऑनलाइन आप किसी दूसरे राज्य में तो मुंबई कार्ड बनाओगे, मुंबई से कार्ड आपके पास पहुंच तो जाएगा लेकिन करोगे क्या, उसका काम करने के लिए मुंबई आना पड़ेगा ना। तो जब तक ये कार वाले नहीं बुलाएंगे फिर आप आओगे नहीं पाओगे, इसी तरह आप बस पैक रह जाओगे, आने का मौका नहीं मिलेगा और इस तरह से जो ये दुकानें वो चलती रहेंगी। भाई मैं तो आपको एकदम सीधी और सरल चीज बता चुका हूं। तो प्लीज अब आप खुद समझदार है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारे ऑनलाइन वाले फ्रॉड होते हैं या इस तरह से, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, बस आपको सावधान कर रहा हूं। ये जो आज मैंने मुद्दा उठाया आपके सामने ये आप एक बार जरूर सोचिएगा कि मैं कार्ड बना लूंगा ऑनलाइन किसी भी राज्य में आप हो, उस कार्ड का आप करोगे क्या अपनी जेब में रखकर जब तक यहां नहीं आओगे। और काम मिलता है इस फेस वैल्यू की वजह से। अगर हम इंडस्ट्री में काम करना एक बार चालू कर दें तो लोग देखना शुरू करते हैं, हम उनका कॉन्टेक्ट नंबर लेना शुरू कर देते हैं, चाहे वो सीखने के पद पे हो या चाहे कहीं पे भी हो, तो इससे हमारे जो काम मिलने के आसार ज्यादा होते हैं, लोग हमको बुलाते हैं, हम काम करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। कार्ड तो बस एक आईडी होती है और बाकी और कुछ भी नहीं है। हाँ अगर आपके पास अच्छा काम धंधा शुरू करना शुरू हो चुका है तो आप कार्ड का अच्छा वैल्यू और अच्छा आप कोई अच्छा अच्छे यूनियन के साथ में आप जुड़ जाते हैं तो आपकी कार्ड की सारी जो फैसिलिटी होती है ना वो आपको मिलेगी। तो उस फैसिलिटी के बारे में मैंने वीडियो बनाया, वो आप जाके देख सकते हैं। और आपको लगता है कि मुझे खुल के बोल देना चाहिए आप लोगों को नाम भीम लेके, तो चलिए आप लोग कमेंट करिए। जितना कमेंट आप करेंगे कि आप खुल के बता दीजिए कौन से कार्ड कैसे क्या होते हैं तो भाई उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या है लाइक देना पड़ेगा, बटन जो है लाइक का दबाइए। मैं देखता हूँ जितने लाइक पड़ेंगे दबा के लाइक पड़ जाएंगे और दबा के कमेंट आ जाएंगे कि नहीं भाई रामा भाई बनाओ वीडियो बिंदास वाली, तो देखना मैं एकदम नाम खुल के लेना शुरू कर दूंगा। लेकिन बस
आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी। और मुझे लगता है कि आज की वीडियो से कुछ आप समझ आ गई होगी, बहुत लोग फंसे हैं भाई, तो आपका नंबर ना लगे फंसने में, इसलिए बस समझदारी इसी में कि आप अभी से अपने आप को ट्रेन कर लो और इस तरह से जानकारी ले लीजिए। तो आपको आज की वीडियो में इशारा ही काफी है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सही गलत का फैसला आपके हाथ में है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक देके जाइएगा, और नए मेहमान है तो भाई बहुत सारी वीडियो कार्ड के बारे में अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।